करते हैं तो हम अभी मोबाइल में बुलाकर आपको अरेस्ट करेंगे, तमाम हमले को हम मोबाइलों में डालेंगे और आपकी दुकान को सील करेंगे। ये आप देख सकते हैं 6:07 पर ये एंटर हुए, यहाँ पूरे काउंटर को उन्होंने घेर लिया है। सीसीटीवी में पूरा काउंटर आ नहीं रहा, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो बाकायदा इनके बैकअप पे 6 लड़के हैं जो टी शर्टों में, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, और पीछे बाइकों में भी 7-8 लड़के इनके खड़े हैं बैकअप। मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं और वीडियो मुसलसल बनाई जा रही है, और इनकी कोशिश है किसी ना किसी तरीके से हमें 60,000 रुपये मिल जाए और हम यहाँ मजमा इकट्ठा करके लोगों को डरा कर, धमका कर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हम अपना मामला निपटा दें। लेकिन जाहिर सी बात है, गुज्जर डेयरी पर हमेशा से अच्छी खालिस चीज़ मिलती आ रही है, और ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है गुज्जर डेयरी की। लेकिन ये लोग बजिद हैं कि आपके दूध में मिलावट है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें किए जा रहे हैं कि आपके दूध में मिलावट है और आपने दूध में मिलावट की, हमें शिकायत मिली है। लेकिन इसका सबूत ये कोई ना पेश कर सके, और मुसलसल प्रेशराइज कर रहे हैं, और बाहर खड़े जो एहलकार हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं कि आपको मिलावट ज़्यादा दूध बेचा जा रहा है। और एक पेपर है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसको कोई स्टैम्प नहीं है, जिसको कोई सिग्नेचर नहीं है, वो दिखा के जदकोप कर रहे हैं, और बाकायदा इस बच्चे को जो मेरा भतीजा है उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको प्रेशर में लेकर आ रहे हैं। मैनेजर पीछे खड़ा हुआ है और बाहर एक मजमा से इकट्ठा हो गया है, लोग जमा हो गए हैं, और हमारी साख बुरी तरीके से मुतासर हो रही है, की जा रही है इन लोगों की जानिब से। वल्ला आलम कौन थे, कहाँ से आए थे, इनके क्या मकासद थे, ये तो ज़ाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो बातें समझ में आएगी। ये देखें आप, मुसलसल ये वीडियो बनाई जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से इनको प्रेशराइज करें और हमें 60,000 रुपये यहाँ से मिल जाए। ये आप देखें, अब मजमा बाहर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। जो पीछे लड़के इनके साथ थे वो बाकायदा मिसगाइड कर रहे हैं कस्टमर को जो दूध लेने आ रहे हैं, कि यहाँ से दूध मत लें, ये मिलावट शुदा दूध है। इनकी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम में, कारोबार में आके इनको डराएं, धमकाएं, मामला को ख़राब करें। अब ये मैनेजर साहब हैं हमारे, इन्होंने जब देखा कि अरे ज़्यादा लग गया है, चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, तो इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप बाहर बैठ के बात करते हैं, यहाँ पर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं। अच्छा, ये समझ बैठे कि ये अब ज़ाहिर है, ये देखें आप, ये पीछे आप टी शर्ट देखें, एंटी करप्शन क्राइम फोरम के नाम से। अच्छा, टी शर्ट पर इन्होंने एंटी करप्शन क्राइम फोरम जैसे लिखा है, तो उन्होंने कहा हम एंटी करप्शन के अहलकार हैं। तो ये सारा मामला है, मैंने एप्लीकेशन लिख दी है, लगा दी है, सीसीटीवी अब मैं अटैच कर रहा हूँ।